स्टेशन। आईने जाने पर हमारा प्यार लता के लिए रत्ती भर भी कम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और शबाना आजमी की अभिनय से सजी फिल्म अमरदीप के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म अमरदीप एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे 18 मई 1979 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है के बालाजी और फिल्म को निर्देशित किया है साउथ फिल्मों के जाने माने निर्देशक के विजयन और आर कृष्णमूर्ति ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, शबाना आजमी, अशोक कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, देवेन वर्मा, बिंदु, ए के हंगल और रुपेश कुमार ने। फिल्म के गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 5 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 84% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 90 लाख रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1,15,00,000 का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,30,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह फिल्म 1977 में रिलीज हुई के बालाजी द्वारा निर्मित और के विजयन द्वारा निर्देशित तमिल भाषा की फिल्म दीपम की रीमेक है। तमिल फिल्म दीपम जो खुद 1976 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म थेकनाल की रीमेक थी। दीपम की सफलता के बाद निर्देशक के विजयन ने इसे हिंदी में अमरदीप के रूप में बनाया था और रिलीज होने पर फिल्म अमरदीप बेहद सफल हुई थी और राजेश खन्ना की अदाकारी को खूब पसंद किया गया था और यह फिल्म राजेश खन्ना की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म को साउथ के दो बड़े निर्देशक के विजयन और आर कृष्णमूर्ति ने निर्देशित किया था। के विजयन द्वारा निर्देशित यह पहली हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के बाद 1981 में रिलीज हुई फिल्म ये रिश्ता ना टूटे का निर्देशन किया तो वही आर कृष्णमूर्ति द्वारा निर्देशित यह एकमात्र हिंदी फिल्म है। फैक्ट नंबर 3, यह फिल्म राजेश खन्ना को तब ऑफर की गई थी जब उनका करियर डावाडोल था। करीब 5 साल बाद कई फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म राजेश खन्ना की पहली सफल फिल्म थी। इसके बाद थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, धनवान, कुदरत, अवतार, अगर तुम ना होते और सौतन के अलावा और भी कई हिट फिल्मों में काम किया। फैक्ट नंबर 4, राजेश खन्ना और शबाना आजमी की एक साथ यह दूसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले 1977 में रिलीज हुई फिल्म कर्म में एक साथ काम किया था और इस फिल्म के बाद अशांति, आज का MLA राम अवतार और नसीहत के अलावा और भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक भी संवाद बोले बिना बहुत छोटी सी भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 6, राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए 1980 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर के लिए नामांकित किया गया था लेकिन वह अमोल पालेकर से हार गए। अमोल पालेकर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड गोलमाल के लिए जीता था। फैक्ट नंबर 7, रामेश्वरी को फिल्म के लिए साइन किया गया था लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी आंख में चोट लगने के कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था और उनकी जगह शबाना आजमी को साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 8, मिथुन चक्रवर्ती पहली बार सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ पर्दे पर नजर आए थे। हालांकि फिल्म में मिथुन की एक छोटी सी भूमिका थी और इस फिल्म के बाद अशांति, डिस्को डांसर और नसीहत जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के साथ विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी स्टारर फिल्म जानदार भी रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 10, साल 1979 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में यह फिल्म 20वें पायदान पर थी।
दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।